हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द जीडीसी लाइव। सो डियर स्टूडेंट्स, ओडिशा फार्मासिस्ट की तैयारी के लिए जीडीसी आपके साथ लेके चल रहा है ओडिशा मैराथन। यस, ओडिशा फार्मासिस्ट मैराथन, जहां पे हमने टारगेट लिया है 2500 एमसीक्यू का, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन का। और आज उसी सीरीज में हमारा फार्माकोलॉजी से टॉपिक होने वाला है, दैट इज द ड्रग एक्टिंग ऑन द रेस्पिरेटरी सिस्टम, पार्ट नंबर 32। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। पहला क्वेश्चन, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड यूज्ड इन ब्रोंकियल अस्थमा इज। अब आपको क्लासिफिकेशन सबसे पहले याद होगा अस्थमा का, जिसमें सबसे पहली क्लास की ड्रग आती है, दैट इज कॉल्ड एज द ब्रोंकोडाइलेटर। ब्रोंकोडाइलेटर में तीन क्लासेस आती हैं, बीटा टू एगोनिस्ट, दूसरा आता है एंटी कोलिनर्जिक, और तीसरा मिथाइल जेंथिन डेरिवेटिव। अब यहां पे देखो, बीटा सिंपैथोमिमेटिक नहीं, इसमें हमारी कौन सी, सॉल्बिटामोल, टर्बिटालिन, सेलमेट्रोल, फॉर्मेट्रोल, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, अरे नहीं सर, ये तो हमारी अलग ही क्लास है, एडजुवेंट के रूप में आ जाएंगी। ये हमारी कौन सी है, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग है, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, टायोट्रोपियम ब्रोमाइड। जबकि मास सेल स्टेबलाइजर में हमें याद आता होगा कौन सा, सोडियम क्रोमोग्लाइकेट, निडोक्रोमिल, किटोटीफेन याद आती है, करेक्ट। सो राइट आंसर हमारा ये सारा क्लासिफिकेशन से है, बीटा टू एगोनिस्ट, मिथाइल जैंथिन, एंटी कोलिनर्जिक, मास ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, मोंटिल्यूकास, ज़ाफिरल्यूकास, मास सेल स्टेबलाइजर, सोडियम क्रोमोग्लाइकेट, निडोक्रोमिल, किटोटीफेन। कॉर्टिकोस्टेरॉइड की बात करेंगे, दो क्लासेस में है, सिस्टमिक और इनहेलेशनल। सिस्टमिक में हाइड्रोकॉर्टिसोन, प्रेडनिसोलोन, इनहेलेशनल में हमारे बिडसोनाइड, फ्लुटिकासोन आ जाती है, और एंटी आईजीई एंटीबॉडी आती है ओमैलीजुमैब। ये क्लासिफिकेशन जरूर याद रखिएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलते हैं। चूज द करेक्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द थियोफाइलिन। बताइए थियोफाइलिन कैसे काम करती है। अब थियोफाइलिन क्या है, मिथाइल जेंथिन डेरिवेटिव होती है, जो फॉस्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम को इनहिबिट करती है और ब्रोंकाई को डायलेट करती है। अब यहां पे ऑप्शन देखो, पहला ही आंसर मिल गया, बीटा टू एगोनिस नहीं है, एंटी कोलिनर्जिक नहीं है, म्यूकोसिलरी क्लियरेंस को ये इनहिबिट नहीं करती है। राइट आंसर क्या हो गया, फॉस्फोडाइस्ट्रेज 4 इनहिबिटर। और फॉस्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिट हो जाएगा, सीएमपी का यहां पे मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, जो फर्दर हमारा क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा ब्रोंकाई डायलेट करेगा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड इन ब्रोंकियल अस्थमा इज। ब्रोंकियल अस्थमा में कॉर्टिकोस्टेरॉइड का क्या काम है, तो अगर देखो, रिलैक्स एयरवे नहीं, स्मूथ नहीं बनाता, इनहिबिट एडिनोसिन रिसेप्टर, अरे बिल्कुल नहीं, इनहिबिट मास्ट सेल डिग्रेनुलेशन नहीं, इनहिबिट लिम्फोसाइटिक स्नोफिलिया म्यूकोसल इन्फ्लामेशन। हां जी सर, ये इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करता है, जिसकी वजह से अस्थमेटिक अटैक में रिलीफ दिलाता है, और इसको प्रेशर्ड प्रेशराइज्ड मीटर डोज इनहेलर यानी पीएमडीआई में दिया जाता है, एज अ इनहेलेशनल एजेंट के साथ दिया जाता है। तो हां जी, यही तो इसका काम है, याद है ना। कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्या करता है, फॉस्फोलाइपेज A2 एंजाइम को इनहिबिट करता है, जो फर्दर प्रोस्टाग्लैंडिन और ल्यूकोट्राइन के प्रोडक्शन को इनहिबिट कर देता है, कॉक्स लॉक्स पाथवे इनहिबिट होता है, क्योंकि अरेकिडोनिक एसिड ही नहीं बनता। सारी चीजें थोड़ा सा रिकॉल कर डालिए। चूज द करेक्ट ड्रग ऑफ द फास्टेस्ट एक्टिंग इनहेल्ड ब्रोंकोडाइलेटर। कौन सा, फास्टेस्ट एक्टिंग इनहेल्ड ब्रोंकोडाइलेटर। अब ब्रोंकोडाइलेटर पूछा गया है, तो ये चीज पहले क्लियर कर लीजिएगा, बाकी जगह नहीं जाना है। लेकिन क्या है, फास्टेस्ट एक्टिंग, इप्राट्रोपियम, एंटीकोलिनर्जिक, लेकिन इनहेलेशनल में नहीं, फॉर्मेट्रोल, सॉल्ब्यूटामोल, सेलमेट्रोल, और सिंपल आंसर दे दीजिएगा, सेलब्यूटामोल सबसे ज्यादा यूज होता है इनहेलेशनल एजेंट के फॉर्म में, क्योंकि ये फास्टर एक्टिंग होता है। तो हमने इसीलिए यहां पे बोला क्या, हमारा जो सेलब्यूटामोल होता है, दैट इज द बीटा टू एगोनिस्ट है, और ये मोस्ट हमारा प्रेसाइज मेटर डोज इनहेलर में सबसे ज्यादा दिया जाता है, और प्रोड्यूस एक्शन विद इन 5 मिनट, 5 मिनट के अंदर ही अपना एक्शन दे देता है, अगर आप इनहेलेशनल रूट से इसको लोगे तो। जबकि फेरमेट्रोल, हाँ ये भी काम करेगा, लॉन्गर ड्यूरेशन काम करेगा, लेकिन शुरुआत होने में कम से कम हम बात करेंगे थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाएगा। ऑल आर इनहेलेशनल स्टेरॉयड एक्सेप्ट, अभी क्लासिफिकेशन देखा था ना, वहीं से आंसर करना। देखो ये हमारा स्टेरॉयड ही नहीं है इनहेलेशनल की, तो बात की बात करिएगा, फ्लोनिसोलाइड, बेक्लोमेथासोन, वैसे ओरल है लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि हाँ स्टेरॉइड तो है, ये तो स्टेरॉइड ही नहीं है, बुडसोनाइड तो इनहेलेशनल ही है। तो सिंपल आंसर क्या हो गया, सोडियम क्रोमोग्लाइकेट, दैट इज द मास सेल स्टेबलाइजर, तो यहां पे बिल्कुल नहीं आएगा। सो बेक्लोमेथासोन, बुडसोनाइड, फ्लुटिकासोन एंड फ्लुसुलाइड, ये हमारी क्या होती है, इनहेलेशनल में आएंगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटीहिस्टामिनिक यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ द कफ। कफ के यूज में हमारे कई सारे ड्रग यूज होती है,
अब अगर मैं मेनली अगर आप बात करूंगा तो यहाँ पे म्यूकोलाइटिक आते हैं, एक्सपेक्टोरेंट आते हैं, यहाँ पे हमारे कफ सप्रेशेंट आते हैं, लेकिन यहाँ पे आपसे एंटीहिस्टामिनिक जो कि एक कफ सप्रेशेंट के रूप में काम करता है उससे पूछा गया है। अब जरा यहाँ पे ऑप्शन देखिएगा, सॉल्ब्यूटामॉल हमारा ब्रोंकोडायलेटर है तो ये तो नहीं हो सकता है, कोडीन हमारा ओपॉइड डेरिवेटिव है, नॉसकैपिन नॉन ओपॉइड डेरिवेटिव है, जबकि प्रोमेथाजिन, डाइफेनहाइड्रामिन, डाइमेनहाइड्रिनेट ये हमारी वो ड्रग है जो एंटीहिस्टामिनिक क्लास की ड्रग है और हाँ ये कफ के ट्रीटमेंट में यूज होती है। सो सिंपल देखिएगा, एंटीहिस्टामिनिक क्लोरफेनड्रामिन, डाइफेनहाइड्रामिन, प्रोमेथाजिन यहाँ आती है, ओपॉइड डेरिवेटिव में कोडीन, फॉलकोडीन एंड इथाइल मॉर्फिन, जबकि नॉन ओपॉइड डेरिवेटिव में नॉसकैपिन, डेक्सट्रोमेथॉर्फेन एंड हमारा यहाँ पे क्लोफेडायनोल आ जाती है। एंटीहिस्टामिनिक तो आपने देख ही लिया। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मास्ट सेल स्टेबिलाईजर, बार बार यही तो बात करते चले आ रहे हैं, सोडियम क्रोमोग्लाइकेट, डिडोक्रोमिल, किटोटीफेन, कोई आंसर दिख रहा है क्या? जी सर दिख रहा है, क्योंकि देखो ये और ये दोनों तो हमारे क्या है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, या फिर ल्यूकोस्ट हमारे क्या है, एंटी आई, ये हमारा क्या है, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर है, या फिर ल्यूकोस्ट मॉन्टी ल्यूकोस्ट हमारा क्या है, ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, तो ये दोनों तो अलग ही हो गए, आंसर क्या हो गया, किटोटीफेन इज द करेक्ट आंसर और यही हमें देना था। वही क्लासिफिकेशन की बात आई, ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, मॉन्टी ल्यूकोस्ट, जाफिल ल्यूकोस्ट और मास सेल स्टेबलाइजर में तीन ड्रग हमने पहले ही बात किया है। ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट यूज फॉर द ब्रोंकियल अस्थमा, फिर से वही क्वेश्चन है, अब की बस उल्टे वे में आपको बताना था। देखो मॉन्टी ल्यूकोस्ट ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, अमिनोफाइलिन हमारे ब्रोंकोडायलेटर में आ जाएगा, क्रोमलिन सोडियम हमारे मास्ट सेल स्टेबलाइजर में है और जिल्यूटोन क्या होता है, 5-LOX इनहिबिटर होता है, यानी लाइपोऑक्सीजिनेज इनहिबिटर एंजाइम में आता है। जिल्यूटोन की बात करते हैं, आपसे पूछा गया था ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, मॉन्टी ल्यूकोस्ट आपका सिंपल आंसर हो जाएगा, जाफिल ल्यूकोस्ट होता तो वो हो जाता। विच एंजाइम इज इनहिबिटेड बाय द अमीनोफाइलिन, अमीनोफाइलिन अभी तो हमने बात किया था, थियोफाइलिन क्या करता है, हमारे फॉस्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम को इनहिबिट करता है, कहीं दिख रहा है? जी सर दिख रहा है, अब फॉस्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम को इनहिबिट करके ब्रोंकाई को डायलेट करता है। एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज यहां तो है ही नहीं है, वो फोमेपिजोल होती है। मोनोएमीन ऑक्सीडेज माओ एंजाइम इनहिबिटर वो तो हमारी मोक्लोबेमाइड क्लोरगाइलिन में आएगा। साइटोक्रोम P450 एंजाइम इनहिबिटर वो तो अलग ही कहानी है। तो आंसर सिंपल क्या है, फॉस्फोडाइस्ट्रेज हमारा जितने भी हमारे मिथाइल ज़ैंथिन डेरिवेटिव होते हैं फॉस्फोडाइस्ट्रेज 4 एंजाइम को इनहिबिट करते हैं और आगे के हमारे जो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होता है उसको डायलेट कर देते हैं। All of the following combination of drug and their mechanism of action is correct. जैसे देखो, solbutamol, stimulation of beta 2 receptor causing bronchodilation, जी सर। Sodium chromoglycate, mast cell stabilizer है सर। Zafir leucost, leukotriene modulator, theophylline, non-selective beta 2 receptor stimulation, non-selective beta 2 receptor stimulation causing bronchodilation। नहीं सर यही गलत है, क्योंकि थियोफाइलिन अभी हमने बात किया, मिथाइल ज़ैंथिन डेरिवेटिव हमारी क्या है, दैट इज द फॉस्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर है, तो यहां तो इनके होने की कोई जरूरत ही नहीं है। हाँ ब्रोंकाई को रिलैक्स करेंगे, ब्रोंको रिलैक्सेशन करेंगे, लेकिन यहां पे ये कोई कहानी नहीं है कि ये हमारी कैसे काम करेंगे, बाय द बीटा 2 रिसेप्टर पे काम करके करेंगे, नहीं बिल्कुल नहीं। चलिए नेक्स्ट, Select the drug that is neither bronchodilator nor anti-inflammatory but has antihistaminic and mast cell stabilizing activity. ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं प्रीवियस ईयर से, जरा ध्यान से समझ लेना। क्या पूछा गया? Select the drug that is neither bronchodilator, bronchodilator nor anti-inflammatory. ना तो bronchodilator है ना ही anti-inflammatory है, तो non-inflammatory के नाम पे ये दोनों काट देना। But has antihistaminic and mast cell stabilizing property. अब दो चीजें मिल गई, किटोटीफेन या सोडियम क्रोमोग्लाइकेट, अब आप क्या बताओगे? यहां पे सिंपल आंसर आएगा किटोटीफेन, क्यों? क्योंकि यहां पे एक लाइन लिखी है has antihistaminic activity और वो किसमें होती है, किटोटीफेन में होती है। सो किटोटीफेन इनहिबिट H1 रिसेप्टर also, तो एंटीहिस्टामिनिक भी होता है। हाँ मास्ट सेल स्टेबलाइजर तो है ही है, इसलिए यहां पे आंसर हमारा ये हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 सेलेक्टिव एगोनिस्ट, लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 सेलेक्टिव एगोनिस्ट, फेरमेट्रोल, सॉल्मेट्रोल, जी सर आंसर मिल गया, क्योंकि इनकी बात मत करिएगा, आइसोप्रिनोलिन तो नॉन सेलेक्टिव बीटा
एगोनिस्ट हमारे आते हैं, सॉल्ब्यूटम और शॉर्ट एक्टिंग आते हैं, इफेड्रिन हमारी मिक्स एक्टिंग आती है, आंसर क्या हो जाएगा, फॉर्मेट्रॉल इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि लॉन्ग एक्टिंग में सैलमेट्रॉल, फॉर्मेट्रॉल, बैम्ब्यूट्रॉल यही तो मेरी ड्रग आ रही है। जी सर। ओमेलिजुमैब इज एडमिनिस्टर्ड इन ब्रोंकियल अस्थमा बाय विच रूट। अब ओमेलिजुमैब जो कि एंटी आईजीई एंटीबॉडी होता है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी से बनता है, अस्थमा में यूज करता है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन को रिड्यूस करता है, उसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पूछा गया है। अब सिंपल बोलिएगा, सबक्यूटेनियस रूट, जिससे हमारा लिया जाता है कौन सा, इंसुलिन लिया जाता है, उसी रूट से ये भी लिया जाएगा। सर ऐसा क्यों? क्योंकि ओमेलिजुमैब जो है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है और ये मास्ट सेल को, हमारा जो आईजी होता है उसको इनहिबिट करता है, और इट इज यूज्ड टू इन द सीवियर अस्थमा या एलर्जिक अस्थमा में यूज किया जाता है, सबक्यूटेनियस रूट से लिया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्टली एक्टिंग कफ सप्रेशन, डायरेक्टली एक्टिंग कफ सप्रेशन, जो हमने तीन क्लासेस में देखा था, ओपॉइड, नॉन ओपॉइड एंड एंटीहिस्टामिनिक। देखो कहीं दिख रहा है क्या? जी सर, एक ही तो दिख रहा है, डेक्सट्रोमेथॉर्फेन, जो हमारा नॉन ओपॉइड है, जैसे यहां पे नॉस्कैपिन, डेक्सट्रोमेथॉर्फेन की बात करेंगे, और हाँ कफ सप्रेशेंट है, जबकि इन तीनों के बारे में, कार्बापेनम तो हटा दीजिएगा, खैर कार्बापेनम तो यहाँ है ही नहीं है, इन दोनों के बारे में अगर आप बात करोगे, ये हमारा वेसिका डेरिवेटिव से चलेंगे, ब्रोमहेक्सीन एसिटाइल सिस्टीन, जो क्या होते हैं हमारे ब्रोंकियल सिक्रीशन क्या करेंगे, मींस म्यूकोलाइटिक होते हैं, तो इसलिए आंसर डेक्सट्रोमेथॉर्फेन, जो हमारा क्या है, एनएमडीए रिसेप्टर एंटागोनिस्ट भी कहलाता है, नॉन ओपॉइड क्लास में आता है, उसकी बात हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीहिस्टामिनिक एंटी अस्थमेटिक ड्रग कॉज चर्ग-स्ट्रॉस सिंड्रोम। कभी भी ऐसी बात आए तुरंत याद आए मोंटी ल्यूकोस, जाफिर ल्यूकोस, चर्ग-स्ट्रॉस सिंड्रोम, ये हमारा मेनली कॉज बाय द जाफिर ल्यूकोस, मोंटी ल्यूकोस, यानी हमारा जो किसकी वजह से बात करेंगे, हमारा ये होता क्या है पहले ये समझ लेना, जहां पे ब्लड वेसल्स में इंफ्लामेशन होने लग जाता है और आपको रैसेस दिखने लग जाते हैं, वो इनकी वजह से होता है, दैट इज द ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, क्योंकि ये किसी भी ऑर्गन में ब्लड फ्लो को क्या कर देते हैं, रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉफ्ट स्टेरॉइड, सॉफ्ट स्टेरॉइड कौन सा होता है, सिक्लेसोनाइड हमारा सॉफ्ट स्टेरॉइड होता है, हाँ जी, इनहेलेशनल रूट से ले जाने वाले में से ये भी एक हमारा है, और ये प्रो ड्रग के रूप में लिया जाता है या एक्टिव ड्रग भी होता है, लेकिन ये क्या होता है, जहां पे हमारा एक्शन होना होता है वहां पे इसको एडमिनिस्टर करते हैं, और ये जो उसका सिस्टमिक एक्सपोजर होता है, या मैं बोलूं एडवर्स एक्शन होता है, उसको कम कर देते हैं जो सॉफ्ट स्टेरॉइड हमारे होते हैं। सिंपली आप देख लीजिएगा, सॉफ्ट स्टेरॉइड, सिक्लोसनाइड, नेक्स्ट हम बात करेंगे लोटेप्रेडनॉल की बात करेंगे या फ्लुओरोमेथोलोन की बात करेंगे, हमारा यहाँ पे टर्पिडेन आएगा, बुटेक्सोकॉर्ट आएगा, फ्लुओकॉर्टिन आएगा, ये सारी ड्रग मेरी आएगी जो क्या है, सॉफ्ट स्टेरॉइड में आती है। द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ द कोडीन व्हेन यूज्ड एज द एंटीटसिव, अगर कोडीन को एंटीटसिव के रूप में यूज करते हैं तो सबसे ज्यादा बड़ा एडवर्स इफेक्ट क्या होता है, देखो लार्ज डोज में यूज करोगे तब रेस्पिरेटरी डिप्रेशन आएगा, जो कि कॉमन साइड इफेक्ट तो नहीं कहलाएगा। ड्राउजीनेस, सिंस ये नॉन ओपॉइड है तो ड्राउजीनेस नहीं मिलता है। एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट इसमें कम होता है, लेकिन हाँ अगर आप बात करोगे, सिंस ये हमारा क्या है, ओपियम प्लांट से ही ऑब्टेंड हो रहा है, मॉर्फिन के साथ ही यार, तो कॉन्स्टिपेशन जरूर कॉज करता है। हाँ इसमें पिन पॉइंट पीपल नहीं होता है, लेकिन कॉन्स्टिपेशन जरूर होता है। तो मैं अगर आप बात करूंगा, हेडेक है, नाउजिया है, ड्राउजीनेस है, कॉन्स्टिपेशन, लेकिन सबसे ड्राउजीनेस तो हल्का फुल्का चल जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम किससे होता है, कॉन्स्टिपेशन, जो कि एक हमारा थोड़ा सा ज्यादा मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द प्रोफाइलैक्सिस ऑफ एस्प्रिन इंड्यूस्ड अस्थमा, एस्प्रिन इंड्यूस्ड अस्थमा हो रहा है तो क्या दोगे, सिंपल सर, कॉक्स पाथवे को ही हम इनहिबिट कर देंगे कॉर्टिकोस्टेरॉइड देके, क्योंकि कॉर्टिकोस्टेरॉइड हमारा अरेकिडोनिक एसिड नहीं बनने देगा, अरेकिडोनिक एसिड नहीं बनेगा तो हमारा एस्पिरिन कॉक्स को इनहिबिट कैसे करेगा। सो इसलिए अगर प्रोफाइलैक्टिकली पूछा जाए कि एस्पिरिन इंड्यूस्ड अस्थमा होने से
आप कैसे बचा सकते हो, तो हाँ स्टेरॉइड प्लस की ड्रग दे दीजिए जो फॉस्फोलाइपेज A2 एंजाइम को इनहिबिट कर देगी। और इसीलिए हमारे डिफरेंट टाइप के अस्थमा है, जैसे एक्यूट अस्थमा या प्रेगनेंसी में अगर बात करोगे तो हमारा हाँ सॉल्ब्यूटामोल, अगर ड्यूरिंग द लिवर की बात करेंगे, लिवर अटैक जब हमारा आता है लिवर के टाइम पे, तभी प्रोट्रोपियम ब्रोमाइड दिया जाता है, प्रोफाइलैक्सिस में कॉर्टिकोस्टेरॉइड। एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा में भी वही है, सॉल्ब्यूटामोल ड्रग ऑफ चॉइस है और कॉर्टिकोस्टेरॉइड हमारा प्रोफाइलैक्सिस में यूज होता है। एस्पिरिन इंड्यूस्ड अस्थमा की ड्रग ऑफ चॉइस तो सॉल्ब्यूटामोल हर जगह है और प्रोफाइलैक्सिस में हमेशा कॉर्टिकोस्टेरॉइड रखना, ये दोनों चीजें जरूर याद रखना। Which of the following is not an adverse effect of the solbutamol? Solbutamol का adverse effect कौन सा नहीं है? Tolerance, hypokalemia, hypoglycemia, tachycardia. अरे सिंपल बताओ ना, अगर मैं बात करूंगा ये hyperglycemia करती है। अब आप बोलोगे सर solbutamol का इसीलिए बोला जाता है ना बीटा टू एगोनिस्ट, यानी जो बीटा टू रिसेप्टर होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनहिबिशन ऑफ द इंसुलिन सिक्रीशन। क्या है, हमने क्या बोला, हाइपरग्लाइसीमिया मे बी डेवलप ड्यू टू द रिलीज ऑफ द ग्लूकेगॉन एंड स्टिमुलेशन ऑफ द ग्लूकोज न्यूजेनेसिस एंड ग्लाइकोजेनोलिसिस, क्योंकि ये ग्लूकेगॉन को प्रमोट कराएगा जिससे हाइपरग्लाइसीमिया होगा, जबकि आपके क्वेश्चन में क्या लिखा था हाइपोग्लाइसीमिया, तो हाइपोग्लाइसीमिया सॉल्ब्यूटामोल के साथ नहीं आता है। द ड्रग नॉट यूज्ड इन एक्यूट अस्थमा, सर ये वाली ड्रग तो हमेशा क्रॉनिक में यूज होगा, एक्यूट की तो बात ही मत करिएगा। सो एक्यूट में बात किया जाए तो या तो बीटा टू एगोनिस्ट या तो एंटीकोलिनर्जिक और हमारा प्रोफाइलैक्सिस के रूप में हमारा कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज हो सकता है, लेकिन बाकी जगह नहीं। सो ये रहे हमारे क्वेश्चन फ्रॉम द रेस्पिरेटरी सिस्टम, और आज के क्वेश्चन सीरीज में यहीं तक, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।